हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लास्ट वीक रहने वाली हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो की शुरुआत आज हम करेंगे शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। रिसेंटली आपको पता ही है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स जो हैं इसको कवर कर रहे हैं। माय डियर, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसका इतिहास, यानी कि किस तरह से शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उद्गम हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हमारे सामने आया। तो बात कुछ यूँ है, अगर हम ब्रिटिश गोरखा वॉर की बात करें तो उस दौरान 1815 के अंदर आप देखेंगे कि एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सैगुली। उसी के अंतर्गत जो है ब्रिटिशर्स की एंट्री मानी जाती है शिमला हिल्स वाले एरियाज में, और आप बोल सकते हैं कि शिमला प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी थी वो ब्रिटिशर्स के अंदर यानी कि अधीन जो है वो हो जाती हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि शिमला जो है एक्चुअल में कियोंथल प्रिंसली स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान ये एक छोटा सा गाँव था जहाँ पे चारकोल मैन्युफैक्चरर रहते थे। फिर ब्रिटिशर्स जो हैं इस एरिया को कियोंथल के राजा से ले लेते हैं और इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल जो डेवलपमेंट है शिमला की आप बोलेंगे तो एक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है 1822 के अंदर। 1822 में क्या होता है माय डियर, चार्ल्स पैट कैनेडी की अगर हम बात करें तो चार्ल्स पैट कैनेडी जो है सबसे पहला एक पक्का घर यहाँ पर बनाते हैं जिसको कैनेडी हाउस बोला गया। वहीं से शिमला की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, एक्चुअल डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। दैट्स वाई जो कैनेडी हैं इनको एज अ आप बोल सकते हैं फाउंडर माना जाता है शिमला का। यही वो इंसान है जिसने पोटैटोस जो है वो इंट्रोड्यूस किया शिमला के अंदर। 1822 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फिर दौर आया आपका 1830 का। 1830 में विलियम वेंटिक जो हैं गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के, वो शिमला आए। जब वो शिमला आए तो उनके आने के लिए एक कमेटी बनाई गई ताकि उनको किसी भी चीज़ की इनकन्वीनियंस ना हो, ताकि जैसे कि पानी की समस्या ना हो या रहने की समस्या ना हो, तो उसके लिए एक कमेटी गठन की गई। ठीक है जी, और वही डेवलपमेंट एक्चुअल में रास्ता बनी हमारी शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की, जिसको फिर बाद में 1851 में बनाया गया। 1851 में शिमला म्यूनिसिपल कमेटी बनाई गई माय डियर, और उसके बाद आप देखेंगे कि 26 अगस्त 1855 को सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन करवाए गए इस कमेटी के, और फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। देन आफ्टर दैट 1871 की अगर बात करें तो 31 जुलाई 1871 को इस पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कमेटी को क्लास वन म्यूनिसिपैलिटी जो है वो घोषित किया गया। क्लास वन म्यूनिसिपैलिटी का मतलब ये है कि इसको थोड़ी सी आज़ादी मिल गई एक्सपेंडिचर के रिगार्ड में, यानी कि वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते थे। देन 1871 के बाद हम बात करेंगे 1883 की। हालांकि इससे पहले आपको पता ही है 1864 में ब्रिटिशर्स ने इसको शिमला को समर कैपिटल भी घोषित कर दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे 1871 में तो क्लास वन म्यूनिसिपैलिटीज बनी। देन 1883 में फिर एक बार इसके लिए इलेक्शन हुए। इस बार इलेक्शंस में एक पर्सनैलिटी सामने आए जिनका नाम था एओह्यूम। एओह्यूम जो हैं इनको 1883 में इलेक्ट किया गया और ये वाइस प्रेसिडेंट बने इस पर्टिकुलर कमेटी के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये पहले इलेक्शंस हुए तो यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है जिनका नाम था वॉल्यू, हैरिस वॉल्यू गुड। ये पहले सेक्रेटरी बने म्यूनिसिपल कमेटी के। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1883 में एओह्यूम जो हैं ये सामने आए और इनको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। और जब ये वाइस प्रेसिडेंट बने तो डेवलपमेंट का सिलसिला फिर से स्टार्ट हुआ, और उसी डेवलपमेंट के दौरान आप देखेंगे कि 1883 में टाउन हॉल, ठीक है जी, टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और एक साल बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन पूरी होती है और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक नया ऑफिस ये बन के सामने आता है। फिर 1871 के बाद अब अगर हम देखें तो 1883 के बाद अगर हम देखें तो 1884 का दौर आया जब पंजाब म्यूनिसिपैलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया।
उस एक्ट के दौरान इस शिमला वाले एरिया को दो वार्ड्स में जो है वो डिवाइड किया गया। एक बनाया गया आपका स्टेशन वार्ड, एक बनाया गया बाजार वार्ड, यानी कि इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन की कन्वीनियंस के लिए इस एरिया को दो वार्ड्स में डिवाइड किया गया, और फिर एक बनाया गया स्टेशन वार्ड, एक बनाया गया आपका बाजार वार्ड। आजादी के बाद एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट किया गया कि इलेक्शन जो है एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे, और शिमला जो है इसको डिवाइड किया गया माय डियर टोटल 15 वार्ड्स में, जिसमें से 14 जो थे वो सिंगल मेंबर वार्ड थे और एक जो था डबल मेंबर वार्ड जो था वो बनाया गया, और उसके बाद 1952 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है जी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर 1962 में आप देखेंगे, 1960 में भी इलेक्शन हुए, 1962 में इन वार्ड की संख्या जो है वो 19 कर दी गई, 19 वार्ड जो है ये बनाए गए। देन आफ्टर दैट आप देखेंगे इलेक्शंस तो खैर होने ही थे, लेकिन 1968 में कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास होता है। इस एक्ट के दौरान क्या होता है, इस कमेटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉरपोरेशन के अंदर। यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 1851 में इसको सबसे पहले शिमला म्युनिसिपल कमेटी जब बनाया गया, तो उस टाइम भी ये पंजाब हिल एरियाज की सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, और उसके बाद 1968 में जब ये एक्ट पास किया गया तो ये हमारी पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी, ठीक है जी। और अगर बात करें एट प्रेजेंट माय डियर आप देखेंगे तो 34 काउंसलर्स जो हैं ये आपको इस कॉरपोरेशन में देखने को मिलेंगे। यही 34 काउंसलर्स जो हैं फिर अपने मेंबर्स में से ही मेयर और डेप्यूटी मेयर चूज करेंगे, और उनमें से इन 34 में से याद रखिएगा 5 को जो है वो सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी, और अगर रेजर्वेशन की बात करें तो 50% रेजर्वेशन जो है वो वुमेन्स को दिया गया है। इलेक्शंस की बात करें तो हर 5 साल बाद जो है इस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी के यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं, और रिसेंटली May 2 को जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये था छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं दूसरी न्यूज़ कौन सी है। सेकंड न्यूज़ की अगर हम बात करें, रिसेंटली हरिपुर टाउन जो था ये न्यूज़ में था। आप देखेंगे ट्रिब्यून की एक न्यूज़ है, बोलते हैं दैट हरिपुर हेरिटेज टाउन फेसिस अटर नेगलेक्ट, यानी कि इन्होंने एक्चुअली में एक पिटीशन डाली थी, उसके दौरान इन्होंने बोला था कि ये जो हरिपुर टाउन है इसको कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए अच्छे से। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये हरिपुर टाउन कहाँ पे है, किसने बनाया और क्या इसका थोड़ा सा इतिहास है। तो अगर आप यहाँ पे देखें हरिपुर टाउन की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैप लोकेशन की अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे गुलेर प्रिंसली स्टेट के अंदर जो है आपको हरिपुर देखने को मिलता था, ठीक है जी। और यहाँ पे महाराणा सागर प्रताप डैम है यानी कि पोंग डैम है, उसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा हरिपुर टाउन। अगर हम इस हरिपुर टाउन की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, तो देखो क्या हुआ, कांगड़ा के राजा हुए हरिचंद, जब तैमूर इन्वेजन हमारे यहाँ पे हुआ था, तैमूर इन्वेजन के बाद जो है कांगड़ा के राजा बनते हैं हरिचंद वन बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। हरिचंद वन जो है एक बार शिकार करने निकलते हैं अपने कुछ एक साथियों के साथ, गुलेर की तरफ ही वो मूव करते हैं, लेकिन समहाउ वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और एक कुएं में गिर जाते हैं। बोला जाता है कि 22 दिनों तक जो है वो उसी कुएं में रहे। फिर एक बार एक राहगीर, एक मर्चेंट, एक व्यापारी जो है उस एरिया से गुजर रहा था, और उसने जो है राजा की आवाज़ सुनी और राजा को उसने रेस्क्यू किया, उसको बचाया। फिर बाद में जब हरिचंद को पता चला कि कांगड़ा के अंदर राजा बन चुके हैं करमचंद जो थे वो हरिचंद के भाई थे, इनको जब पता चला कि इनको लगा कि हरिचंद की मृत्यु हो गई है, तो ये बन गए राजा कांगड़ा के। जब हरिचंद को ये बात पता चली तो उन्होंने बोला कि अब मैं कांगड़ा वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक नया टाउन, एक नई इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको डेवलप करूंगा, एक सेटअप करूंगा मैं। तो वही इन्होंने किया, और 1464 एडी में आप बोलेंगे एट द जंक्शन ऑफ बाणगंगा, कुराली एंड न्यूगल रिवर, ठीक है जी,
इन तीनों रिवर के संगम में एक पर्टिकुलर फोर्ट बनाया गया जिसको बोला गया हरिपुर फोर्ट, और एक नई स्टेट बनाई गई जिसको बोला गया गुलेर प्रिंसली स्टेट। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यही वो गुलेर प्रिंसली स्टेट है माय डियर जिसको बोला जाता है द क्रैडल ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। यानी कि 19 सेंचुरी में जब डिक्लिनेशन ऑफ पेंटिंग्स स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पे गुलेर ही जो है ये उभर के सामने आया था एज अ क्रैडल ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। वैसे भी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो रूट्स हैं वो गुलेर से ही मानी जाती हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा हरिचंद वन जो हैं इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है जी। कांगड़ा में दो राजा हुए हरिचंद नाम के, हरिचंद वन और हरिचंद टू। राजा हरिचंद टू जो थे वो जहांगीर के टाइम पे थे, और राजा हरिचंद वन जो हैं ये आपके सामने मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, यानी कि मेंस में ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं इनके बारे में। पहली न्यूज़ के बारे में अगर देखें तो ट्रिब्यून बोल रहा है कि बाल विधानसभा सेशन जो है 12 जून को हेल्ड करवाया जा रहा है, ठीक है जी। एक बाल विधानसभा सेशन जो है शिमला में वो करवाया जा रहा है 12 जून को, जिसमें से 68 चिल्ड्रंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो एक्ट करेंगे एज ए स्पीकर, एज ए चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी, एज ए मिनिस्टर और एज ए एमएलए। इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये है कि हिमाचल विधानसभा असेंबली जो है इट इज़ द सेकंड असेंबली आफ्टर द राजस्थान जो बाल विधानसभा करवा रही है। हमारी जो हिमाचल विधानसभा है वहाँ पे 12 जून को ये होगा। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो 7 से 17 साल के जो बच्चे हैं स्टेट और पूरे हमारे कंट्री के वो पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 68 बच्चों को जो है वो पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी अगर न्यूज़ की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। तो हिमाचल उत्सव जो है ये मंडी में रिसेंटली हमने स्टार्ट किया। याद रखिएगा 4-day उत्सव है ये, और सांस्कृतिक सदन के अंदर जो है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को इनोग्रेट यानी कि स्टार्ट किया गया। अब इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है या ध्यान से देखिए, ये जो उत्सव्स हैं माय डियर, उत्सव्स जो हैं ये हर साल ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे हमारी मेजर सिटीज़ जो हैं, चाहे स्टेट की चाहे कंट्री की। इनसे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये प्रमोट करेंगे और स्प्रेड करेंगे हमारे लोकल कल्चर को और उसके आर्ट को, यानी कि लोकल कल्चर और आर्ट को प्रमोट करने के लिए इस तरह के मेले करवाए जाएंगे। तो मेंस में आप लिख सकते हैं इस तरह की लाइन्स को, ठीक है जी, कि किस तरह से हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करें, किस तरह से अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करें। तो हो सकता है तो इस तरह से जो उत्सव हैं ये भी एक पर्टिकुलर हिस्सा बन सकता है हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो अगर इस न्यूज़ की बात करें ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी बोल रहा है कि 3-day स्प्रिंग फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है कुल्लू के अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हैं जनता से रिश्ता, कुल्लू में 3-दिवसीय वसंत महोत्सव का उद्घाटन, ठीक है जी। तो ये एक उत्सव फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। रिमेंबर माय डियर, इस फेस्टिवल को बोला जाता है पीपल यात्रा, ठीक है जी। अब ये जो पीपल यात्रा है ये 3 दिनों तक चलता है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद ये एक स्टेट लेवल फेस्टिवल है, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो पीपल यात्रा होती कहाँ है? तो ये कुल्लू के अंदर होती है। भी 3 दिनों तक ये मेला चलता है और उसके बाद ये इसको जो है स्टेट लेवल का टैग लगा हुआ है स्प्रिंग फेस्टिवल। राजा के टाइम पे यानी कि अर्लियर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को बोला जाता था राय री जाच, यानी कि द फेयर ऑफ किंग। राय री जाच जो है इसका पुराना नाम है, एग्जाम के लिए ऐसी टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद बात करें तो इस मेले में, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में क्या अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन क्या रहेगी? हालांकि आपको बता दूं बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन है वो है आपका स्प्रिंग क्वीन ब्यूटी पेजेंट जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें 15 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्रिंग क्वीन ब्यूटी का मतलब ये है कि 15 पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ठीक है जी,
जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं भाई, ठीक है जी, उसमें एक तरह से रैंप वॉक करेंगे, यानी कि ये इसकी मेन अट्रैक्शन रहने वाली। अब इससे होगा क्या, इससे ऑब्वियस सी बात है जो हमारे जो ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उसको हम प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस द लोकल किंग एंड द डाइटी वुड सिट अंडर अ पीपल ट्री। अगर हम इस पीपल यात्रा के इतिहास के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करें, तो इसमें बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है माय डियर, इसमें जो लोकल किंग हुआ करते थे और जो देवता हुआ करते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। कहाँ पे? ढालपुर मैदान में, ढालपुर ग्राउंड में पीपल का पेड़ था, वहाँ पे राजा और देवता जो है वो बैठा करते थे। क्यों बैठा करते थे? जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनते थे, ठीक है जी। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास है। उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाया जाता है भाई, 3 दिनों तक ये चलता है। जागरा, अगर जागरा की बात करें तो कम्युनिटी फीस्ट है विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम फॉर, यहाँ फॉर होगा ये, हैप्पीनेस एंड पीस, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो फेस्टिवल का नाम है भाई पीपल यात्रा, कहाँ होता है? कुल्लू के अंदर, है ना, ढालपुर मैदान के पास जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, सो ये थी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट 5 न्यूज़। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी किस तरह की न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निम्बस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।